वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हमारा मेरा मेडिकल था तो हमको 8 बजे रिपोर्टिंग करनी थी, तो 9:30 बजे एंट्री के लिए बोला, मतलब सब आ गए थे 9:30, उनको पार के वहाँ पे बैठा दिया था। तो वहाँ पे हमारी बैठने के बाद उनको आए थे, फिर वहाँ से रोल नंबर वाइज ऐसे अरेंज कर दिया था, लाइन बना दी थी। 23-23 के 4 बैच बन गए थे हमारे, और ABCD करके। तो हमको ऐसे फिर थोड़ा टाइम लेने के बाद फॉर्म देते हैं, वो 3 फॉर्म मैं यहाँ पे लगा दूंगा। तीनों फॉर्म एक तो अपना मेमो ही होता है जो आपको DV में होता है, उसी को यहाँ पे देते हैं मेमो को, उसमें साइन करने होते हैं और फ़ोन नंबर लिखने होते हैं। उसके बाद जो भी अपना डॉक्यूमेंट होगा उनको भरना रहेगा, फ़ोटो लगानी होगी। यहाँ पे भी 3-4 फोटो की ज़रूरत होगी, तो एक्स्ट्रा फ़ोटो लेके आए। तो फिर यहाँ से वो हो जाने के बाद हमें एक्सरे के लिए भेज दिया था, और जैसे दूसरे बैच को आई टेस्ट के लिए भेज दिया था, ऐसे भेज देते हैं। बाकी यूरिन टेस्ट सिर्फ 30+ वाले बंदों का होगा, जिनकी 30+ है। तो वहाँ से हमको वहाँ पर भेज दिया, तो हमारा एक्सरे हो गया था। एक्सरे में टाइम नहीं लगा, फटाफट हो गया था। हर मतलब एक बैच का अगर 23 बंदों का, मुश्किल से आधा घंटे में हो जाता है वो। मेन गेट है, यहाँ से हमने एंट्री करी थी, और हमें यहाँ जाना है। यहाँ पे हमारा मेडिकल वगैरह हो रहा है, और यहाँ पे भंडारे की सुविधा है, देखो खाने वगैरह लग रहे हैं। भाई भंडारे का वेट कर रहा है, उनका प्यासा मेडिकल का। अरे वो नहीं तो अब तो शुरू हुआ है यार, शुरू हुआ एक चीज़ हो गई अभी हमारी। हाँ एक्सरे हुआ है अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है। और डर लग रहा है? हाँ कोई डर नहीं, डर की क्या बात है यार, भंडारा खा, भंडारा खा के फिर, भंडारा खा के फिर करेंगे। उसके बाद हमको बहुत देर बैठाया दूसरे में, उसके बाद हमको बहुत टाइम मतलब बैठे ही रहे हम। हमारा बैच का नहीं आया, डी बैच के 2-3 टेस्ट हो चुके थे जब तक हमारा एक ही हुआ था। फिर 2 बजे तक हमारा कुछ नहीं हुआ, 2 बजे जब इनका लंच हो गया उसके बाद हमारा वो हुआ था, आई टेस्ट की शुरुआत हुई थी, लेज़र वाला, जिसमें लेज़र का चेक करते हैं। तो वो लेज़र का टेस्ट में भी जल्दी जल्दी करा था उन्होंने। बाकी वो होने के बाद हमारे में 2 बंदे पकड़ आए थे जिनके लेज़र का डाउट था, और फिर उसके बाद हमको BP के लिए भेज दिया था। BP भी फटाफट फटाफट हो रहा था, तो BP में प्रॉब्लम आ रही थी कि BP हाई हो रहा था लोगों का, मेरा भी हाई था, और एक का तो 170+ गया था, तो उसको मतलब 1 रोल नंबर था, उसको 170+ गया था, उसका बाद में ठीक आ गया था। तो जिनका BP ठीक नहीं आ रहा उनको प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी। बाकी आई टेस्ट भी अभी हमारा एक दिन में इतना ही करा पाए, अब बाकी जो हाइड्रोसिल टेस्ट वगैरह वो कर लोंगे। हाइड्रोसिल टेस्ट रह गया, और आई विज़न भी अभी सिर्फ लेज़र वाला चेक हुआ है, आई विज़न टेस्ट चेक नहीं हुआ, वो बच रहा है, और BP हो ही गया, हाइड्रोसिल का बाकी बस यही बचे हैं 2-3 टेस्ट। तो बाकी अब इनके बाद जो भी होगा, बाकी अपना खाना पीना साथ लेके आए, क्योंकि यहाँ पे खाना पीना खा सकते हैं आप, क्योंकि अपना वो नहीं होगा, शुगर वगैरह का टेस्ट नहीं होगा ना, ब्लड टेस्ट होगा, तो खाना खा के आ जाएं। और अभी किसी भी बैच का नहीं होगा, कल सारे बंदों को, हम 100 के 100 बंदों को कल वापस आना है 8 बजे, देखते हैं अब क्या रहता है। बाकी बता दूंगा मैं जैसा भी होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।